बागली विधानसभा के विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे ने शनिवार के दिन बागली मंडल में एक दिवसीय दौरे पर आए। दौरे के दौरान बागली मंडल के बागली अंतर्गत लाखों रुपए के निर्माण कार्य का लोकार्पण और निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया। इस दौरान विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे, मंडल अध्यक्ष टिकेंद्र प्रताप सिंह, कमल यादव, आनंदीलाल पाटीदार द्वारा चापड़ा में सीसी रोड निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। साथ ही चापड़ा तालाब पर बने घाट तथा श्याम नगर में सीसी रोड के निर्माण का लोकार्पण किया गया। वहीं बागली में स्वास्थ्य केंद्र पर NRC भवन लोकार्पण कर 34 हितग्राहियों को कृषि भूमि हेतु पट्टे वितरण किए गए। इस दौरान चापड़ा पंचायत भवन पर आमजन से चर्चा कर उनकी समस्या सुनी और समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। बहाने के हिसाब से आज हमने दो सड़क का भूमि पूजन किया है और तालाब का सौंदर्यीकरण और घाट निर्माण का भूमि लोकार्पण किया है। साथ ही हमको अभी करीब 28 लाख का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागली का अतिरिक्त कक्ष का भी हमने अभी लोकार्पण किया है। साथ ही बागली में सालों से जो अटका हुआ था कॉलेज का जो काम, जिसको हमने मैट्रिक कॉलेज था जिसको पोस्ट मैट्रिक करवाया है, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा वो काम स्वीकृत हुआ है। इस तरह से हमारे संपूर्ण बागली विधानसभा में अभी काम जोरों से हम लोग करवा रहे हैं। कोरोना और कांग्रेस की सरकार जो बीच में आ गई थी, जिसकी वजह से वो सारे काम लगभग 3 साल से काम जो रुके पड़े थे, उन काम का अभी हम लोग जोरों से चालू कर रहे हैं। यहाँ तक कि सतवास में भी अभी हम लोग बहुत जल्दी कॉलेज का लोकार्पण करना है। साथ ही वहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल निर्माण हुआ है, उसका भी लोकार्पण होना बाकी है, वो बहुत जल्दी हम करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।